કાઈ તું ભૂકો છે ભગવત? હા હું ભૂકો છું, ચાલ દેખા કે બજાર મેં કાઈ મળે છે ખાબા કે લેકે। ભગવત દેખ ઉઠી મૂંગફલિયા છે, મને ઘણી પસંદ છે। કોઈ બાત કોની, માં મૂંગફલિયા થોડી ને ચોર રહ્યા છા, બસ સ્વાદ ચાખ રહ્યા છા। બેટા કાઈ હોયો, થા ચોખા તો છો? આપણ કટી છા, થા લોક ભાગશાલી છો જે મહાકાત સત્સંગ મે પૂગ્યા છો। આજ મા લોક વાત કરંગા કે પરમાત્મા ચાવે છે કે મા ચોરી કોઈ ન કરા। મુ સોચું છું કે થાકો વિશે ચોરી કરવા કે બારે મે ઘણો ચોખો છે। મુ જાણું છું કે ચોરી કરબો ચોખી બાત કોની, પણ મુ કદી કદી આપણા આપ કે ઉપર કાબૂ કોને રખ સકું, क्योंकि थाक गोडे वा ताकत कोई न छे जिसु था अपना आप पर काबू कर सको। था न कोई असी महान ताकत की जरूरत छे जे थाकत आई बड़ा काम सु बचा सके। मु ताकतवर छु और महारे ताई कोई की भी मदद की जरूरत कोई न छे। अरे बारे ठीक छे, शायद महारे ताई थोड़ी मदद चाहिए। हकीकत में उ एक ही आदमी छे जे मां का बड़ा काम पे काबू पाबा के लेकर और पुनर्जन्म का चक्कर का तई तोड़बा की ताकत दे सके छे। ई नारियल में ई की एक छिपी हुई ताकत छे। नारियल? हाँ मारा भाई, लाओ। मु चाहू छू के थाके तई एक महान आदमी का बारा में बताऊं। घना अचरसु भगवान यीशु इस संसार में पैदा होया एक शक्तिशाली तारा का उजाला के नीचे। 3 राजा वहां के ताई पूरब दिशा सु देखवा आया छा। जसा जसा वो बड़ा होया घना सार का विद्वान का ताई वहां ने अपना ज्ञान सु चक्कर में डाल दियो। वो भगवान यीशु घनो ताकतवर होगो? हाँ मारा प्यारा भाईला, वह भगवान जाने संसार बनायो छे, यीशु वहां का इकलौता बेटा छे। प्रकृति भी वहां को हुकुम माने छे। एक दिन वह अपना चेला के लार एक नाव पे सो रिया छा। उ टेम एक घनी तेज आंधी आई जिसु वहां का चेला डरब गया और वहां ने यीशु का ताई नींद सु जगायो। यीशु ने आंधी और लहरा के ताई ठहरबा को हुकम दियो और उ टेम ही आंधी और लहरा ठहर गी। एक दिन भगवान यीशु का बायला लाजरस की मौत होगी। जब भगवान यीशु लाजरस की कबर पर पुग्या तो लाजरस ने मरिया 4 दिन बीत चुका था। जब यीशु ने लाजरस के ताई नाम लेर बलायो उ टेम ही लाजरस दोबारा जिंदो हो गयो और पूरी तरह सु चोको हो गयो। एक दिन यीशु 5000 लोगों के ताई शिक्षा दे रिया था और वहां लोगों के ताई घनी भूख लागी थी। उठी एक छोरा के गोडे 5 रोटियां और 2 माछलियां थी। यीशु ने 5 रोटियां और 2 माछलियां लेर आशीर्वाद दियो और चमत्कार सु संदा लोगा के ताई खुआ दियो। खाबा के पाछे भी घणो सार को खानो बच गयो छो। महाराजा यीशु संदा की जरूरता को ध्यान रखाने छे और मां संदा सु घणो ज्यादा प्यार करे छे। पण भगवत जानना चाहे के इन सगली बातां रो नारियल नु काई लेणो देणो? यीशु इस संसार में आया के मासु प्यार करे और मां की मदद करे, पण थोड़ा लोग वासु नफरत करे छा और वहां के ताई मारबो चावे छा। यीशु सरकार के द्वारा गिरफ्तार करिया गया और वहां के ताई मौत की सजा सुनाई गई। यीशु के ताई पहाड़ी के ऊपर ले जार वहां का हाथा और पगा में कीला ठोकी गई और वहां के ताई सूली पे चढ़ाई हो गयो।
ऊ टेम वह अपनी आत्मा का ताई खुद का बाप का हाथा मसों पर मर गया। एक मिनट रुको, अगर भगवान यीशु इतना ताकतवर छा तो वे मर किसा गया, वे सूली सू नीचे काय में ना आया। घणो चोखो सवाल छे, वहाँ की मौत एक बड़ी घटना कोई न ची, वह एक खास मतलब के लेके मरिया छा। जशा नारियल टूट्यो वशा ही यीशु की डील को बलिदान हुयो, ताकि माँ बच सका। जे खून यीशु ने बहायो उ खून में माँ का पापा का ताई माफ करबा की शक्ति छे। तो वहाँ की मौत में ताकत छी? अर अठी खत्म कोई न होवे छे। यीशु के मरबा के पाछे वहाँ का चेला ने वहाँ की लाश कबर में रखान दी। पण 3 दिन के पाछे यीशु दोबारा जिंदा हो गया और कबर मसू बारे आ गया। वहाँ के पाछे वो अपना चेला का सामने प्रगट होया और आदेश दियो कि वहाँ का बारा में संदा जगत में सुनाओ। यीशु ने अपना चेला सु वादो करियो कि एक दिन वे शक्ति और महिमा के लार पाछा आओगा। ऊ के पाछे वह सरक चला गया और अबान तई सरक में ही छे एक राजा का रूप में। केवल महाराजा यीशु का हुक्म मानबासू और वहाँ के ऊपर बसवास करबासू माँ संदा पापासू आजाद हो सका छा। मुँह और भगवत भगवान यीशु का चेला बनबा चावा छा और वहाँ पर बसवास करबो चावा छा। खूब चोको मारा बच्चाओ, आखिरकार मल ही गया चोटा। माने दोना ने माफ कर दो मूंगफली चोरी करना रे वास्ते। मुँह था लोगा के ताई माफ करो छू, यालो थोड़ी और मूंगफलियां लियो। चलो आपन संदा मलर धन्यवाद दिया और आनंदित होवा माँ का प्यारा भगवान यीशु का नाम सुन। एक बार आवो नी यीशु जी मारे पावना, एक बार आवो नी यीशु जी मारे पावना। थारा छोरा छोरी जो वे थारी बाट, यीशु जी मारा लाडकला। थारा छोरा छोरी जो वे थारी बाट, यीशु जी मारा लाडकला।